बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं नादिया, आप देख रहे हैं सना डिशेज। हमारे चैनल को देखने वाले तमाम व्यूअर्स जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूं तोरी और आलू की सब्ज़ी। ये कैसे बनती है ये देखने के लिए आप हमारी पूरी वीडियो देखें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को देख सकें और ये आसान रेसिपीज़ अपने घरों में ट्राई कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक चौथाई कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज काट के डाल दिया है। अभी जब प्याज गोल्डन ब्राउन होगा तो हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे, क्योंकि कुछ सब्ज़ी में ऑयल ज़्यादा जाता है, उससे ये वो टेस्टी बनती हैं। तो तोरी भी ऐसी सब्ज़ी है, और अगर घर की हो तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अभी एक चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन मैंने शामिल किया है। इसे दो मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर, तीन बारीक कटी हुई मिर्चें और तीन मैंने लंबी इस तरह काट दी है, क्योंकि मैं सुरख मिर्च नहीं इस्तेमाल करूंगी। लहसुन पक चुके हैं, इसमें मैं अब कटी हुई सब्ज़ मिर्ची और टमाटर डाल देती हूँ, और इसे हलाते हैं, और साथ ही आधी चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच नमक शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो पानी ऐड करेंगे और मसाला तैयार करेंगे। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है मसाला बनाने के लिए। टमाटर प्याज सही से गल जाए तो हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। मैंने 500 ग्राम तोरियां ली हैं और तकरीबन दो दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। मसाला हमारा रेडी हो गया है, कुकिंग ऑयल अलग हो गया है। अभी मैं इसमें तोरियाँ और आलू शामिल करती हूँ। सब्ज़ी को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे, आँच हल्की कर देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे, 7 मिनट बाद चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 6 मिनट हो चुके हैं, हमने सब्ज़ी में पानी शामिल नहीं था किया, देखिए इसने पानी कितना छोड़ दिया। अभी हम इसे अच्छे से हला के ऊपर से कवर कर देते हैं, इसी पानी में सब्ज़ी हमारी गल जाएगी। ऊपर से दोबारा कवर कर दिया, 5 मिनट बाद दोबारा चेक करते हैं पानी खुशक हुआ या नहीं। 5 मिनट हो चुके हैं, हमने ऊपर से ढक्कन हटा ली है, पानी खुशक हो चुके हैं। अभी 2 मिनट हम भूनते हैं, उसके बाद सब्ज़ धनिया और कसूरी मेथी डाल के उतार लेंगे। अभी सब्ज़ धनिया और मेथी डाल दी है, चूल्हा मैं ऑफ़ कर देती हूँ और इसे डिश आउट करती हूँ। लें जी, तैयार है मज़ेदार सी आलू तोरी की सब्ज़ी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, मुझे दुआओं में याद रखें, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।